देश में मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में देश का प्रतिष्ठा बढ़ा है, जनता में एक विश्वास कायम भी हुआ और जनता चाह रही है कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे स्थिति में हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि हम इनके 5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्य, ऐतिहासिक फैसले और देश के सम्मान के लिए जो काम किया उसको ले करके आम जनता के पास में जाए। विपक्ष का एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे रोके, और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती जी जो उत्तर और दक्षिण रहा करते थे वो एक हो गए हैं सांप और नेवला की तरह। पश्चिम बंगाल की मायावती, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे दिल्ली के केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी को कैसे रोके। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को क्यों रोकना चाहते हो, आपका एजेंडा क्या है, आप रोकने के बाद में क्या करना चाहते हो, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इन सब जो नेता है उनके बीच में पूछो कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको आप तय किए हो, इनके पास में कोई उत्तर नहीं है, इनका एक उद्देश्य है। तो ऐसे समय पर हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और देश की मनसा के अनुरूप, आम जनता के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। इसके साथ साथ मोदी जी के 5 साल का कार्यकाल वास्तव में ऐतिहासिक रहा, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो। बाह्य सुरक्षा समय में पुलवामा में जो अटैक करके हमारे जो 42 वीर सपूत शहीद हुए हैं उसका बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया, और एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान बौखला गया, यहाँ तक बौखला गया कि उसके प्रत्युत्तर में हमला करने के लिए हम युद्ध के लिए तैयार हैं। देश का दुर्भाग्य रहा कि विपक्षी लोग हमारे देश के सेना के पराकाष्ठा गौरव पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं इसका सबूत क्या है। सबूत तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना के पहले, पुलवामा घटना के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि भारत देश कुछ बड़ा करने वाला है, ये पहली बार ऐसा घटना घटा है। तो ये नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के कारण ही ये संभव हुआ है। और नरेंद्र मोदी इतना ही नहीं बल्कि गाँव गरीब कैसे खुशहाल रहे, गरीब से गरीब व्यक्ति लोग कैसे अच्छा से जीवन यापन करें, इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू किया, प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू करके 34 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुलाया। इसके पहले 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ये कहा कि अब मैं बैंक को गरीबों के लिए खोल दिया, गरीबों के नाम से वोट ले लेते हैं। 1971 में उसने कहा कि गरीबी दूर करना है, गरीब सत्ता में आए गरीब को भूल गए, गरीबी दूर नहीं कही, बैंक के लिए खाता नहीं खोला। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू करके हर गरीब का बैंक में खाता खोला, और खाता ही नहीं खोला बल्कि जितने भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट बैंक में जाना शुरू हुआ। जिस प्रकार से राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उसने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही आम जनता तक पहुँचती है, उसके बाद उसने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन मोदी जी इसके बारे में सुधार करके आधार कार्ड लागू किया, बैंक में खाता खोला और पूरे सब्सिडी को हितग्राही के खाते में डायरेक्ट जमा करने की योजना लागू करके भ्रष्टाचार में पूर्णतः चौकीदारी किया। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, उसको देख करके हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चौकीदार बन गया है। चौकीदारी का मतलब ये है कि देश के सुरक्षा के लिए, देश में अमन शांति के लिए, देश के स्वच्छता के लिए, देश में गरीबी दूर करने के लिए, आतंकवादी को समाप्त करने के लिए जो ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य कर रहा है वो सब चौकीदार है। एक डॉक्टर अपने पेशा में डॉक्टरी करता है वो भी चौकीदार है। चौकीदार कोई पद नहीं है, चौकीदार में कोई खूंटा में बंधा हुआ व्यक्ति नहीं है। चौकीदारी का मतलब ये है कि ईमानदारी पूर्वक अपना काम करने का भाव को चौकीदारी करते हैं। तो ये चौकीदार के संबंध में लोग भाव सुधार उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी वास्तव में इसको संस्कार संस्कृति इतिहास नहीं मालूम, प्रधानमंत्री के बारे में क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए, कौन से मुद्दा उठाना चाहिए ये कुछ नहीं मालूम, ये बोलता है चौकीदार चोर है, कितना गंदा लगता है, कितना बाद में चौकीदार वास्तव में चौकीदार चोर है क्या, चौकीदार के ईमानदारी पर आप संदेह कर रहे हो, तो इस प्रकार से बोल रहा है। मैं तो राहुल गांधी को बोलूँगा ये नालायक है, इसको कांग्रेस वाले कैसे परिवारवाद के कारण से इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, बहुत से योग्य लोग होंगे, तो ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद की है। ऐसे समय में जितने भी विपक्षी पार्टी एक साथ हो रहे हैं, इनकी योजना है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस लें, और कमर कस करके हमारे जो ऐतिहासिक फैसले हैं
हमने जो भारत देश को शक्तिशाली देश को स्थापित किया है, हमने बहुत सारी योजना लागू की, उस योजना को लेकर के गांव गरीब किसान तक जाएंगे, हर मतदाता तक जा करके भारतीय जनता पार्टी पक्ष में काम करके माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसके लिए जरूरी क्षेत्र में भी हमारे सांसद बने, उसके लिए हम सब काम करेंगे। चलिए, 5 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, आप 2 बार सांसद रहे, पहली बार आप सांसद चुनाव जीत के आए थे तो प्रथम मंच में स्वागत मंच में बोले थे कि इस एरिया के लिए मैं रेल सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। दो बार आप सांसद रहे, रेलवे सुविधा के लिए अभी तक कुछ नहीं था, बसना सरेपाली पिथौरा एरिया जो है मतलब इस सुविधा से वंचित है, इसके बारे में आप क्या? मैं वास्तव में रेलवे केंद्र सरकार का ही है और इसके लिए शुरू से प्रयासरत हूँ और उस प्रयास में सफलता मुझे ये मिली कि रायपुर से धमतरी तक जो छोटी लाइन थी उसको बड़े लाइन कराने में सफल हुआ। दूसरा, महासमुंद से पटेवा सांकरा बसना सराईपली होते हुए उड़ीसा तक ले जाने के लिए मैं इसके नया रेल लाइन में क्या संभावनाएं हैं उसके लिए बजट प्रावधान करके सर्वे करवा दिया। और इतना ही नहीं बल्कि राजिम से और आगे जा करके उसको गरियाबंद देवभोग तक और उड़ीसा तक ले जाने के लिए उसको भी सर्वे मैंने जोड़वा दिया। रेल लाइन 2 साल 5 साल 10 साल का मामला नहीं है, आज सर्वे हो गया है तो रिकॉर्ड में रहेगा, कभी न कभी उसमें आने वाले जो भी सांसद रहेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो संभव है, तो मैंने पहला शुभारंभ किया। इसके साथ साथ मैंने केंद्रीय विद्यालय महासमुंद जिला में, महासमुंद में तो है, हमने सराईपाली में भी खुलवाया, कुरूद में धमतरी जिला में खुलवाया, गरियाबंद में भी खुलवाया, 3 केंद्रीय विद्यालय मैंने खुलवाया, 2 हमने एकलव्य विद्यालय खुलवाया, 3 मैं महत्वपूर्ण रेलवे ओवर ब्रिज जो वास्तव में बहुत परेशानी होती है रेलवे क्रॉसिंग के कारण से, चाहे वो हाड़ाबंद हो, महासमुंद हो, तुमगांव हो, हमने उसको खुलवाया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से रायपुर जाने के लिए कितने समय लगता था और रोड का क्या स्थिति था, मेरे ही कार्यकाल में रायपुर से आरंभ होते हुए ये उड़ीसा और कलकत्ता तक ये 4 लाइन शानदार रोड बना हुआ है। तो उपलब्धि देखोगे तो बहुत सारी है, स्कूल कॉलेज तो मत पूछिए, कृषि महाविद्यालय हमने महासमुंद में खुलवाया है, एक राज्य में भी खुलना है, एक धमतरी में खुला है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलकर के लगातार हम बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, चाहे 4 लाइन के संबंध में हो, 4 लाइन इतना ही नहीं, गरियाबंद से लेकर के हम वो देवभोग तक बनवाए हैं, महासमुंद में प्रॉपर महासमुंद के अंदर में बनवाए हैं और सभी जगह चाहे वो सांकरा हो चाहे तुमगांव हो बाईपास करके हम शहर को सुरक्षित करके बाहर रोड बनवाए हैं। कुछ और क्या पूछना? चुनाव में जो परिणाम निकले अप्रत्याशित अंतर भाजपा के विरुद्ध में रहा, मुझे लगता है इस समय बदलाव की लहर रही पहला, दूसरा इनका जो लोक लुभावन घोषणा पत्र है उसको हमारे भोले भाले आम मतदाता ये मान बैठे कि इसको पूरा करेंगे क्योंकि इसने गंगा जल उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य है गंगा जल का भी ये लोग महत्व को नहीं समझे और उस कसम को तोड़ करके शराबबंदी नहीं किए बल्कि शराब ज़्यादा बेचने की व्यवस्था करके नया नया ब्रांड चालू कर रहा है। किसानों का कर्जा हर बैंक से करना था, किसी बैंक का 2 बैंक छोड़ करके बाकी बैंकों का कर्जा माफ़ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता देने के बाद कहा था, बेरोजगारी लोग बेचारे धोखा खा गए हैं, उनको भत्ता नहीं दिया गया, कोई प्रधान नहीं किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि ये कांग्रेस सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ कंगाल हो गया है, बार बार कर्जा के लिए हाथ फैलाना पड़ा है, कर्जा मांग रहे हैं और छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो गया है। तो ये जो वास्तव में जो जनता है आज ठगा सा महसूस कर रही है कांग्रेस को जिता करके, ये पुनः मुझे लगता है कि ये बेक भाजपा तरफ आएगा और भाजपा तरफ निहार रही है, उसको हम सबको भारतीय जनता पार्टी का भी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें परिवर्तित करके भाजपा के पक्ष में वोट डलवाना है। बात सामने से आई थी कि कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा है, अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे कार्यकर्ताओं की एक शिकायत थी कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही थी, अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें क्या रणनीति? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी के निर्देशानुसार आपके सामने आकर बैठा हूँ। मैं कार्यकर्ता का महत्व उनके योग्यता के हिसाब से मिलता है, जो कार्यकर्ता काम करने के लिए आते हैं निश्चित रूप से उसके महत्व के हिसाब से उसको काम भी देते हैं, अलग अलग पद में इसलिए बांटा गया है और कार्यकर्ता ही चल रही है, हमारे परिवार के हिसाब से नहीं है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटा इसलिए बन गया, प्रियंका सीधा सीधा वो महासचिव या उपाध्यक्ष बन गया, हमारे में नहीं है, हमारे में जो पद दिया जाता है उनके सक्रियता योग्यता उनके अपेक्षा के अनुरूप दिया जाता है और कार्यकर्ताओं की पार्टी इसीलिए है कि हम सब कार्यकर्ता को सुना भी जाता है और उसके हिसाब से चलते हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के चाय बनाने व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति एक साधारण किसान के बेटा है वो गलत कर रहा था, आज सांसद बनके आपके पास बैठा है, तो कार्यकर्ताओं से भी देखो
हमारे में टिकट देना नहीं देना हमारा केंद्रीय चुनाव समिति है, वो तय करती है। हम अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। क्यों काटा गया, क्या है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठीक है, मुझे 10 साल पार्टी के बदौलत सांसद बनने का अवसर मिला और आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके पहले मैं 5 साल विधायक था, तो विधायक का काट दिया, लोग बोल रहे थे कैसे काट दिया कैसे काट दिया। तो ये परिवर्तन आवश्यकता हिसाब से किया जाता है, वो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उसका निर्देशन अनुसार सब काम करते हैं। बीजेपी का लक्ष्य 11 में कितना पानी का है? 11 में पूरा 11 पानी के लिए हमारा लक्ष्य है। उसके लिए नया कैंडिडेट दिया गया है और सब कैंडिडेट के लिए सब कार्यकर्ता घर के काम कर रहे हैं और माहौल भी भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। मोदी लाल, ये भी कहा गया है कि वंशवाद की राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है, अमन सिंह के जितने भी करीबी है सबको टिकट दिया गया है, बाकी लोगों का काट दिया गया है, इसके क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से डॉक्टर रमन सिंह के परिवार से कोई अभी चुनाव नहीं लड़ रहा है और करीबी वाले बात नहीं, कार्यकर्ताओं की टिकट दिया गया, हमारे चुनीला को दिया गया, वहाँ सुनील सोनी को दिया गया, वहाँ अरुण साहु जी को दिया गया बिलासपुर में। तो जहाँ देख रहा हूँ मैं कोई करीब नहीं है, और करीब इसलिए है कि हम कार्यकर्ता सब एक दूसरे के करीब हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ जितने हमारे कार्यकर्ता सब उनके करीब हैं। तो करीबी मतलब परिवार नहीं होता, परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद तो समाजवादी पार्टी में मुलायम के जो जमे हुए जोड़ 5-6 लोग एक परिवार से बन जाते हैं। परिवारवाद तो कांग्रेस में है, जो माँ के बाद में बेटा, बेटा के बाद में बहन, इस तरह के बनाया जा रहा है। परिवारवाद तो अन्य पार्टियों में है, परिवारवाद हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उस हिसाब से काम करते हैं। कांग्रेस सरकार की राजनीति छत्तीसगढ़ में कर रही है, उसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका इशारा जो है वो हमारे राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर रमन सिंह नहीं, डॉक्टर रमन सिंह नहीं, तालुकात रखते हैं और उसके बारे में वो न्यायालय में प्रतिदिन जांच भी चल रही है। उसमें हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी ना उसका बचाव कर रहे हैं ना उसके बारे में कोई डिबेट कर रहे हैं, और ना ही वो कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो अलग स्वतंत्र व्यक्ति है। कांग्रेस द्वारा महासमुंद लोकसभा के लिए धनेन्द्र साहू जी का नाम को प्रोजेक्ट किया गया, तो आप लोग साहू कार्ड को खेलते हुए सुनील साहू जी को टिकट दिए, तो महासमुंद लोकसभा में कितना जातिवाद को मुद्दा बनेगा और उसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहीं पर भी जातिवाद नहीं करती। इसके पहले 14 लोगों को विधायक का टिकट दिया था साहू समाज के, साहू बालू था, उसमें से 13 हार गए, एक जीती है धमतरी से। चाचा भतीजा का संबंध रखते हैं, इस संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है और उसको बरकरार रखते हुए कहीं पर जातिवाद नहीं करती। देखिए, एक बार राष्ट्रीय हमारे चुनाव समिति ने तय कर दिया कि बोले यार इस समय हम पूरा चेंज करना चाह रहे हैं और सभी सांसदों को काट रहे हैं, तो हम सभी सांसद बैठे भी थे। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम जिसको भी दोगे काम करेंगे और काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा कोई किसी नज़रिया से देखने और बात ही नहीं है, और हम सब काम कर रहे हैं। विगत 2 कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बहुमत से सरकार बनी है, 90 में 67 पाई है, और इस चुनाव में आप लोग पहली बार छत्तीसगढ़ बनी का सरकार में नहीं है, तो किस रूप में लेते हैं चुनाव को, आप कितना संघर्षपूर्ण मानते हैं? देखिए, संघर्ष तो हर जगह है। अभी सबसे पहली बात, देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, एक मोदी जी का लहर है। अब ऐसे समय हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि 11 की 11 सीट इस समय हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में किसी सरकार वो मायने नहीं रखती, जो सरकार है वो हर क्षेत्र में असफल साबित हो गया है, इसलिए भी जनता रिएक्शन होकर के हमारे साथ में आ रही है, तो ऐसे समय में हमारी जीतना बिल्कुल निश्चित है। मेरा कि पप्पू के पास होने की कितनी उम्मीद करते हैं? देखिए, ये पप्पू बौखला गया है और बौखलाने के कारण ये जो घोषणा पत्र है वो पाकिस्तान से मिल करके बनाया कि अलगाववादी से सलाह लेकर के बनाया, ये समझ में नहीं आता। लेकिन जिस प्रकार से 370 धारा को यथावत रखने की बात कर रहा है, जिसकी मुफ्ती मोहम्मद या अमर अब्दुल्ला जी सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने अलगाववादी को बढ़ावा देने का ये प्रयास है। दूसरा, देशद्रोही का जो इंडियन पेनल कोड में जो धारा बना हुआ है 124, जो सेना जवान जमे हुए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, उसको कम करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये कह सकते हैं कि पप्पू का ये अंतिम दांव है अस्तित्व बचाने का।